हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो दांत के साफ़ सफाई और मसूड़ों के केयर से रिलेटेड है कि हम लोगों को अपने मुंह की सफाई कितने दिनों पे करवानी चाहिए, और अगर हम लोग इस ओरल कैविटी के हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अभी एक फ़ोटो है गाइस और एक वीडियो है जिसे मैं आपके पास आपको शो कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो केस है, ये इन एक पेशेंट का है जिनके मुंह में ब्रिज लगा हुआ है और आगे के 6 दांत मिसिंग हैं। तो ये जो मिसिंग टीथ हैं, इनको बनाने के लिए फिक्स्ड किया गया है। और ये जब हमारे पास पेशेंट आती हैं तो इनके जो हैं अल्सर की प्रॉब्लम होती है कि मुझे अल्सर है और मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खा रखी है और ये ठीक नहीं हो रहा है और मेरा मुँह बहुत ज़्यादा महकता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए जब मैंने पहले तो इन्हें देखा और देखा, जैसे आप देख सकते हैं कि जो जगह है वहाँ पे जीभ की तरफ जो आगे में जो लिंगुअल वेस्टिब्यूल है, जिसे हम लोग लोअर आर्च में जो जीभ की तरफ की जगह को लिंगुअल वेस्टिब्यूल बोलते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा ब्रिज के नीचे एक लाइन से डिपॉजिट्स है। और ये जो डिपॉजिट है, इस कारण से क्या हुआ है कि यहाँ पे जो बोन का लॉस है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, और इस बोन के लॉस के कारण जो है यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि वहाँ पे जब बोन का लॉस हुआ है तो सपोर्टेड जो सॉफ्ट टिश्यू है वो भी लॉस हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अंदर तक है, और जब इसे हम क्लीन करते हैं, जैसा कि मैं दिखाना चाह रही हूँ कि जब इसे क्लीन करते हैं तो एक थिक लेयर कैलकुलस की वहाँ से निकलती है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो ये कैलकुलस है, जिसे कि हम लोग समझते हैं कि अगर ये निकल जाएगा तो हमारे दांत ढीले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो कैलकुलस है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट था, जिसे कि हम लोगों ने ईजीली रिमूव किया है, और इससे जो ब्रिज है उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ठीक उसी तरह से जो हमारे टीथ होते हैं, नेचुरल टीथ, अगर उन पे भी गंदगी जमती है तो उसे हम लोगों को बिल्कुल साफ़ करवाना चाहिए, ताकि जो हमारा जो पेरियोडोंसियम है, जो हमारा टीथ का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आपका जिंजाइवा और जो हमारे इंटरडेंटल लिगामेंट होते हैं और इंटरडेंटल बोन होते हैं, जो भी पेरोडोंसियम के स्ट्रक्चर हैं, वो सारे स्ट्रक्चर हेल्दी रहें और वहाँ पे बोन का लॉस ना हो। तो इस तरीके से इस पेशेंट का जब आपने प्री ऑप देखा था तो वो कुछ इस तरह से था, और जब अभी आप ये पोस्ट ऑप देख रहे हैं जिसमें कि वो सारे कैलकुलस हटा दिए गए हैं। तो गाइज़, ये जो पेशेंट है इसका मैं लास्ट में आपको रिव्यू भी दिखाऊंगी कि ये जब पेशेंट का काम हुआ तो उनको उस काम के बाद कैसा लगा। तो ये जो एक मिथ है कि सफाई करवाने से जो दांत हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जो ब्रिज हैं वो ढीले हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। और सिंपली अगर आप ब्रिज लगवाते हैं और ब्रिज लगवा के उसका केयर अगर हम लोग नहीं करते हैं तो ये इस गंदगी के कारण उस ब्रिज में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इस तरह से गंदगी को जमा करते जाएंगे कि वो साफ़ करवाने से ख़राब हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो इनका लॉस हुआ है, उस लॉस को वहीं पे सफाई के बाद वो जो लॉस है वो धीरे धीरे रिपेयर होगा आफ्टर सम ड्रग थेरेपी और मसाज। तो ये जो ट्रीटमेंट है गाइस, इसमें जो है सिंपली क्लीनिंग और क्यूरेटाज हुआ है, जिसे हम लोग ओरल प्रोफाइलेक्सिस एंड डीप क्लीनिंग और क्यूरेटाज बोलते हैं। तो ये आप एवरी 6 मंथ्स पे ले, और अगर आप एवरी 6 मंथ्स पे नहीं ले सकते हैं तो एटलीस्ट साल में एक बार आप इसको ज़रूर डेंटिस्ट के पास जाएं, और ये जो प्रोफाइलेक्सिस है, जिसे क्लीनिंग कह लें या स्केलिंग कह लें, उसे आपको करवाना चाहिए। अब जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसा कि मैंने दिखाया कि इन्हें अल्सर हो रखा था, तो अल्सर के बहुत सारे कारण यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, और जब भी कोई हार्ड फूड जाता होगा तो वहाँ पे इरोजन हो जाता होगा, जिससे कि अल्सर है। तो प्रायोरिटी बेसिस पे इनके जो गंदगी थी, जो यहाँ पे कैलकुलस और जो भी डिपॉजिट्स था, उसे हटा दिया गया है और पेशेंट को फॉलोअप में रखा गया है। तो जब नेक्स्ट विजिट होगा इस पेशेंट का, तो मैं आपको इसके जो हीलिंग फेज़ हैं
उसमें कैसा इनका रिकवरी हुआ है उस वीडियो को बताऊंगी। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सफाई बहुत ठीक लग रहा है ना? हाँ, सब कहो ना, एकदम हल्का हल्का। चलिए ठीक है ना।